नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। और आपको जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा के आखिरी दिन परियोजना बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से फर्जी परीक्षार्थी छात्रा पकड़ी गई। लोहिया समता उच्च विद्यालय की छात्रा पम्मी कुमारी की जगह परीक्षा दे रही थी, उसकी बुआ प्रभा कुमारी को पकड़कर दंडाधिकारी प्रशासन के हवाले किया गया। बुधवार को पूर्व की भांति उक्त परीक्षा केंद्र पर संस्कृत विषय की परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी छात्रा द्वारा परीक्षा दिए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक सरोज सिंह ने सभी वीक्षकों को परीक्षार्थियों की फोटो एवं हस्ताक्षर सघनता से मिलान करने का निर्देश दिया। वीक्षक रवि प्रकाश यादव एवं ब्रिजनंदन पांडे द्वारा परीक्षा कक्ष में फोटो एवं हस्ताक्षर नहीं मिलने पर उक्त छात्रा को केंद्राधीक्षक को सौंपा, जिसके बाद सख्ती से हुई पूछताछ में उक्त छात्रा ने स्वीकार किया कि बाकी विषयों की परीक्षा भी उसी ने ही दी है। केतार प्रखंड के चेचरिया निवासी योगेंद्र राम की पुत्री पम्मी कुमारी की जगह उसकी बुआ स्वर्गीय सभापति राम की पुत्री प्रभा कुमारी को दंडाधिकारी डॉक्टर सनत कुमार पांडे ने अग्रेतर कार्रवाई करते हुए भवनाथपुर प्रशासन को सौंप दिया। धन्यवाद।